जैसे कि कमेंट में आपने पूछा था कि हम क्या खिलाते हैं फीड, मतलब मछली को फीड, कौन सा फीड खिलाते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये फ्लोटिंग फीड है, किसी भी कंपनी का आपके यहाँ पे जो भी फ्लोटिंग फीड अवेलेबल है, जो प्रीमियम फीड अवेलेबल है, वही आप डाल सकते हो। लेकिन क्या है ना, हम ये 2 ml का फीड है अभी मछली, हमारा छोटा मछली है, 40 ग्राम 50 ग्राम के एवरेज में है, 100 200 300 भी एवरेज है। तो हम अभी 2 ml से स्टार्ट किए हैं, 2 ml और 3 ml का मिक्स करके देते हैं। ये 2 ml साइज है, 28 प्रोटीन है और 4 फैट है। तो ये फीड छोटा छोटा साइज का है, देख सकते हो ये साइज। ये हम अभी मछली को खिलाते हैं, मतलब खिलाने का प्रोसीजर ये है कि आप जो मछली कल्चर करते हो उसकी कैसी फीडिंग हैबिट है, तो वो हिसाब से आप खिला सकते हो। और चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने मछली डाले हैं और कैसा फीडिंग होता है। ये जो तालाब देख रहे हो, ये सब हमारा तालाब है। इसमें हम बेनामी और भैक्टी, IMC और जो फ्रेश वाटर झींगा रहता है, जो स्कैम्पी होता है, वो ऐसे हर तरीके की मछली हम इस पे फार्मिंग करते हैं। और इसमें जो बेनामी रहता है वो ब्राकिस वाटर मछली है, तो ये वो भी हम कल्चर करते हैं। और जो पंगासियस हमारे यहाँ पे उतना हम कल्चर करते नहीं हैं, क्योंकि पंगासियस मछली यहाँ पे रेड बहुत कम रहता है, जबकि 1 kg पंगासियस को हम जब 70 रुपया 80 रुपया ऐसे बेचते हैं, वहीं पे रूपचंदा हम 100 120 रुपये में बेचते हैं। और रूपचंदा का ग्रोथ पंगासियस की तरह है, ग्रोथ फास्ट ग्रोथ है और डेंसिटी, हाई डेंसिटी भी कल्चर होता है, तो हम रूपचंदा कल्चर करते हैं और IMC कल्चर करते हैं। IMC का यहाँ पे प्राइस है 1 kg IMC 180 170 180 रुपया ऐसे हम बेचते हैं। ये तालाब में जो राइट साइड तालाब है, इसमें हम वही IMC और रूपचंदा का फार्मिंग करते हैं। इस साइड जो लेफ्ट साइड तालाब है, वो बहनामी किया था लास्ट ईयर, इस बार भी बहनामी होगा। और ये एरिएटर है जो मतलब ऑक्सीजन क्रिएट करता है। और यहाँ पे हमारा सेलो जो समर्सिबल है, उसका पाइपलाइन है। तो अगर आपको देखना है कि आपके यहाँ पे कौन सा मतलब मछली ज़्यादा चाहिदा रहता है, डिमांड जिसका ज़्यादा रहता है, वही मछली आप कल्चर करो। और इलेक्ट्रिक सुविधा है तो एडिएटर ज़रूर दें, अगर हाई डेंसिटी कर रहे हो तो एडिएटर ज़रूर देना है। और इसमें हम यही तालाब है जो इसमें हमने IMC और रूपचंदा मिक्स करके डाला है। हम 2 टाइम फीड देते हैं, सुबह जो 6 या 7 AM देते हैं, और एक 2 बजे, 2 से 2:30 बजे, ऐसे 2 टाइम में देते हैं। सुबह देते हैं हम जो हमारा खुद का बनाया हुआ फीड रहता है वही देते हैं, उसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए। और ये जो फीड रहता है, ये हम जो दोपहर में देते हैं, वो हम ये मार्केट से ख़रीदा हुआ फ्लोटिंग फीड देते हैं, जो अच्छा क्वालिटी का रहता है वही हम ला के देते हैं। इसमें ग्रोथ ज़्यादा रहता है, फ्लोटिंग फीड रहता है, तो कितना मछली खाया ना खाया ऐसे हम इसे पता चल जाता है कितना खाया और नहीं, तो आसानी रहता है। क्योंकि सिंकिंग फीड में वही दिक्कत रहता है कि कितना फीड डालें कितना ना डालें, वो थोड़ा दिक्कत रहता है। लेकिन IMC फार्मिंग में आपको सिंकिंग फीड डालना जरूरी है, मतलब 100 से मतलब 30% आपको सिंकिंग फीड, जो नीचे का फीड जाता है, जो पानी के नीचे मतलब रहता है, वो फीड जो डालने पर डूब जाता है, वही फीड हम सिंकिंग फीड वही डालना जरूरी है आपको।
फ्लोटिंग फीड 70%, 30% सिंकिंग फीड मिक्स करके आप डालना जरूरी है। ये देख सकते हो मछली सब खा रहे हैं, और तालाब के हर जगह आप स्प्रेड करके फीड डालना है। एक ही जगह पे आप दे दोगे तो और ज़्यादा मछली, जो बड़ा साइज मछली वही ज़्यादा खा लेगा, छोटा मछली को मिलेगा नहीं। तो आपको पूरे तालाब में स्प्रेड करके देना है, उसमें आपका मछली का ग्रोथ ठीक रहेगा और सब मछली को फीड अच्छे से मिल पाएगा। और जो फीड जो हम खुद बनाते हैं फीड, जो वो उसका वीडियो हम अगले एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। हमेशा पीएच आपको चेक करना है, पीएच 7 साढ़े 7 से ऊपर रहना जरूरी है, 7.2 से ऊपर रखना है, 8 तक रख सकते हो। अभी हमने मतलब स्टार्ट किया है फीडिंग देना, तो हमारा स्टार्ट कल्चर पीरियड रहता है फ़रवरी 15 से अगस्त, मतलब दिसंबर 15 ऐसे रहता है। और इसके बाद दिसंबर 15 के बाद ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम हम उतना फीड देते नहीं है। जो सिंकिंग फीड है वही जितना रिक्वायरमेंट फीड का है उसका 30% हम देते हैं।